किरण जाधव मेरे साथ बने हुए हैं। किरण, आज के बाजार के मूड में आपके ट्रेडिंग टिप्स कहाँ हैं? मेरा पहला स्टॉक रहेगा बजाज फाइनेंस, जहां पे खरीदी करने की सलाह होगी। वैसे भी आज सारे एनबीएफसी कंपनीज अच्छे दिखाई दे रहे हैं, उसमें से मेरा पसंदीदा बजाज फाइनेंस है। 899 के स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए और टारगेट के लिए 947 आज या कल दोपहर के 17 तक देखने को मिल जाना चाहिए। दूसरा स्टॉक होगा क्रॉम्पटन ग्रीव्स, जहां पे स्टॉप लॉस बहुत नजदीक है, 73 का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। 7850 के कल तक टारगेट देखने को मिल जाने चाहिए। और अब किरण फोकस करते हैं स्मॉल कैप कॉर्नर में, जहां आज कई सेगमेंट्स में अच्छा खासा बस दिख रहा है। उसमें से एक है हाउसिंग से जुड़े स्टॉक्स, इन सब में आज हम तेजी देख रहे हैं। गणेश हाउसिंग की बात करें, अंसल हाउसिंग की बात करें, यहां पर भी देखिए ऑलमोस्ट 10% अब ये ऊपर पहुंच रहा है और अंसल प्रॉपर्टीज में भी 8.5% से ज्यादा की बढ़त है। इनमें से कौन सा स्टॉक आपको टेक्निकल चार्ट्स पर पसंद आ रहा है? सी, गणेश हाउसिंग का ज्यादा चार्ट अच्छा दिखाई दे रहा है। एक तो अच्छा बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन हुआ है, करीबन 60 रुपए के नजदीक। पिछले 2 साल में हमने देखा है कि 60 रुपए के नीचे कभी जाता नहीं है और इन्हीं लेवल से इस स्टॉक ने बाउंस बैक दिया है। और आज अगर पहले 1 घंटे की बात करें तो बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक ऊपर चल रहा है। अगर हम पिछले 1 साल का वॉल्यूम भी देखते हैं, एवरेज वॉल्यूम, तो आज पहले 1 घंटे में ही उसने करीबन 4 गुना वॉल्यूम कर चुका है। तो अच्छा डिमांड दिखाई दे रहा है निचले स्तरों से। मुझे लगता है कि अगर हम मोमेंटम व्यू ले और अगले 1 हफ्ते का व्यू ले तो इजीली ये स्टॉक करीबन 91-92 लेवल्स छूता नजर आएगा। इधर बेचने की सलाह नहीं होगी, इधर एक रिव्यू लेना चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, अगर ये निकल जाता है तो देन 120-130 लेवल्स खुलते हुए नजर आएंगे। कुछ एडुकेशन से स्टॉक्स आपके सामने लाते हैं, एडुकॉम्प, इसमें हम बढ़त के साथ कारोबार देख रहे हैं। एमटी एडुकेयर, इसमें भी अच्छी बढ़त है, 3% से ज्यादा की मजबूती। करर पॉइंट में भी ऑलमोस्ट 2% का स्ट्रेंथ। इस स्ट्रेंथ को आप टेक्निकल चार्ट में कैसे रीड करेंगे? क्या इन एजुकेशन स्टॉक में कोई आपको भी खरीद के लिए पसंद आ रहा है किरण? प्रियंका जी, ये सेक्टर ही मुझे पसंद नहीं है और कोई चार्ट पैटर्न भी ऐसा नहीं है जहां पे आपको बहुत अच्छा मुनाफा नजर आएगा। हाँ, हो सकता है 1-2 दिन के लिए ये स्टॉक ऊपर चले, पर वापस एक बार हम निचले स्तर वापस एक बार छूते नजर आएंगे। जनरली ये इसका ट्रेंड लोअर टॉप लोअर बॉटम का है, जिसको हम डाउन ट्रेंड कहते हैं। तो ऐसे स्टॉक से परहेज रखे, यही हमारी मानना है, ये हमारा मानना है। और वैसे किरण, स्मॉल कैप स्पेस में आज कुछ गेनर्स जो है आपके सामने लाते हैं। मुरुदेश्वर सेरा, इसमें हम देख रहे हैं सुबह से लगातार मजबूती, 12% की स्ट्रेंथ को अब ये छूने वाला है। टिन प्लेट में अच्छी खासा एक मोमेंटम है। इंडिया बुल्स में भी हम मजबूती देख रहे हैं। तो ये जो स्मॉल कैप की गेनर्स लिस्ट है, इसमें आपको जो स्ट्रेंथ नजर आ रही है, इसे आप टेक्निकल चार्ट्स पर कैसे रीड करेंगे? प्रियंका जी, मुरुडेश्वर सिरेमिक ये ठीक ठाक चार्ट है अगर बाकी के कंपेयर करते हैं तो। और जो 26 रुपए से ये स्टॉक उछला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। मुझे लगता है कि डिलीवरी बेसिस पे ये स्टॉक उठाना चाहिए और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये 40 तक जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है उधर तक जाने की क्षमता रखता है। स्टॉप लॉस इसके लिए करीबन 30 रुपए का रखना चाहिए, जो कि करंट लेवल से बहुत दूर नहीं है और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में भी ये फिर फिट बैठता है।